आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे ऑक्सीजनेटेड एंड कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होगा। तो देखो, अब जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में तीन पार्ट्स फंक्शन के अंदर आते हैं। सबसे पहला आपका ऑर्गन आएगा लंग्स। लंग्स का क्या काम होगा कि वो बाहर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेकर आएगा और CO2 को बॉडी से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ये काम हो गया लंग्स का। अब देखो, ये मान लेना आप एक घर बनाने जा रहे हो तो ना आपके पास है मजदूर है, सपोज तीन मजदूर है, तो एक मजदूर तो गेट के बाहर खड़ा है, ठीक है, वो ईंटे पास करेगा जो दूसरे नंबर पे मजदूर खड़ा है, यानी कि घर के अंदर, और एक मजदूर बिल्कुल अंदर वाली साइड खड़ा है। तो ये मान लो कि एक इंसान यहाँ था, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पर, तो पहला तो हो गया ये लंग्स। लंग्स अब किसको पास करेगा काम, हार्ट को, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन के पास में, यानी तीनों चीजें क्या चलती हैं आपकी, साइकिल के अंदर चलती हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट कौन हो गए, लंग्स। अब लंग्स से हार्ट तक में कौन, अब देखो वैसे तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो वेन होती है ना आपकी, वो तो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, यानी कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, मतलब कि वेन आपका क्या लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आर्टरी होती है वो क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पर अगर उसके आगे क्या लिखा हो, पल्मोनरी वर्ड लिखा हो, तो आर्टरी और जो वेन होती है इनका फंक्शन उल्टा होता है, मतलब कि जो आपकी जो पल्मोनरी वेन होती है, अगर उसके आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है, पल्मोनरी, तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो तो लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो आपकी यहाँ पर आएगी पल्मोनरी आर्टरी, तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी ये क्या लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके अलावा जहां भी आपको आर्टरी दिखे वो आपका क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जहां वेन दिख जाए वो क्या लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप ये आपके लंग्स हो गए, यानी कि पहला स्टेप यहाँ पर शुरू होगा। लंग्स से जो मैंने एरो दिखाया है ये है आपकी ब्लड की डायरेक्शन फर्स्ट फेज के अंदर। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। अब हमारे हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4, जो ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं ये कहलाते हैं आर्ट्रियम, और जो नीचे वाले दो चैम्बर होते हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। अब क्या होगा, यहां पर ये मैंने V1 और V2 लिखा है। V1 का मतलब होता है वॉल्व। वॉल्व क्या होती है, जैसे हम पानी की सप्लाई में भी देखें, तो अगर हम वॉल्व को बंद कर देते हैं तो आपके पास में क्या होता है कि पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, और खोल देंगे तो पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वैसे ही इस, मान लिया कि ब्लड अब यहाँ पर आया इस लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, यानी यहाँ पर ब्लड आ गया आपके पास में। अब क्या होगा, अगर यहाँ से वॉल्व क्या है, पूरा यहाँ वॉल्व से अटैच होती है, और यहाँ भी, अब मान लिया कि जब तक ये वॉल्व का रास्ता बीच में से खुला हुआ है तो ब्लड आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू, और कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब जब ब्लड इस लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा तो ऊपर वाला कॉलम हो गया खाली, सारा का सारा ब्लड नीचे आ गया, तो क्या होगा, जो आपकी जो ये वॉल्व है अब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी, ताकि यहाँ का ब्लड वापस ऊपर ना जा सके, इसलिए क्या हो जाएगी, वॉल्व बंद हो जाएगी। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्व हो जाती है आपकी बंद, और फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हाई प्रेशर के साथ में आपका ब्लड मेन आर्टरी क्या लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी जो आपकी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, बाकी कहीं भी आर्टरी वर्ड दिख जाए वो क्या लेकर जाता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जो आपकी मेन आर्टरी होगी, जिसका दूसरा नाम अरोटा भी होता है, इसके थ्रू आपका ब्लड बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा। दोबारा से समझो, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, यहाँ ब्लड इकट्ठा होगा, वॉल्व खुला होने की वजह से सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा,
उसके बाद इवॉल्व हो जाएगी बंद, यानी यहाँ का रास्ता बंद, फिर हाई प्रेशर से पूरा का पूरा ब्लड आपका बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा मेन आर्टरी के थ्रू, जिसका दूसरा नाम अरोटा भी होता है। यहाँ तक की बात खत्म। अब देखो यहाँ बॉडी ऑर्गन के पास में क्या पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या थी, ज्यादा थी। अब यहाँ पर आपका ब्लड पहुंच गया, अब बॉडी ने क्या करा, ऑक्सीजन को ले ली, तो अब CO2 भी तो रिमूव करनी है ना, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स इस ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और यहाँ से क्या रिलीज करेंगे, CO2। तो जब बॉडी के ऑर्गन्स CO2 को रिलीज करेंगे तो अब यहाँ पर ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस मेन वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर। ये मत कर देना कि राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा क्योंकि वो नीचे था, नहीं, बॉडी ऑर्गन से मेन वेन के थ्रू जो ब्लड होता है वो जाता है राइट आर्ट्रियम के अंदर। ये आपका पहला स्टेप था, ये दूसरा, यहाँ हुआ तीसरा, तो ये आपका कौन सा स्टेप चल रहा है, यहाँ पर चौथा स्टेप चल रहा है। अब यह राइट आर्ट्रियम के अंदर फिर से ब्लड इकट्ठा हो गया, अब ये वॉल्व खुली थी तो यहाँ से सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे की साइड, यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका क्या चला जाएगा, यहाँ से ब्लड चला जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब ये वॉल्व हो जाएगी यहाँ से बंद, और बंद होने की वजह से अब राइट वेंट्रिकल के अंदर सारा का सारा ब्लड स्टोर, अब यहाँ से ये ब्लड सारा का सारा हाई प्रेशर से इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर सारा का सारा ब्लड चला जाएगा, और लंग्स से फिर CO2 हमारी बाहर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये हो गया फोर्थ स्टेप। और जब ये राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड लंग्स में चला गया तो ये क्या, कौन सा हो गया आपका, फिफ्थ स्टेप। दोबारा से समझो बिल्कुल इजी तरीके से, क्या होता है, लंग्स से आपका किसके थ्रू, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पर एक वॉल्व लगी हुई होती है और इस वॉल्व के थ्रू सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, फिर ये वॉल्व हो जाती है बंद ताकि यहाँ से ब्लड वापस बैक फ्लो के ऊपर ना जा सके। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाई प्रेशर से सारा का सारा ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास में मेन आर्टरी के थ्रू। अब जब बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो यहाँ से जो CO2 वाला ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम के पास में। राइट आर्ट्रियम में फिर से रास्ता खुला हुआ है तो सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर ये वॉल्व यहाँ से बंद हो जाएगी और हाई प्रेशर से ये राइट वेंट्रिकल से होता हुआ सारा का सारा ब्लड ऊपर लंग्स के अंदर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक ही है।